हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क एट हाइट के रिक्स असेसमेंट के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे कि वर्क एट हाइट का रिक्स असेसमेंट अगर आपको बनाना है तो उसका जो है चार्ट कैसा होता है और उस चार्ट को जो है आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो उस चार्ट के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही साथ इस चार्ट को, यानी कि वर्क एट हाइट का रिक्स असेसमेंट का जो चार्ट है, इसको अगर आपको फ्री में डाउनलोड करना है तो वो भी जो है आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका जो लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जब आप डाउनलोड करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इस चार्ट को जो है समझना भी काफ़ी ज़रूरी है कि हर एक चीज़ जो है इस रिक्स असेसमेंट में, वर्क एट हाइट के रिक्स असेसमेंट में, वो कैसे आई है इस चार्ट के ऊपर और वो कैसे प्रिपेयर की जाती है, तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने वीडियो में आपको रिक्स असेसमेंट के बारे में बताया था कि रिक्स असेसमेंट को जो है कैसे कंडक्ट किया जाता है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि वर्क एट हाइट का अगर आपको रिक्स असेसमेंट कंडक्ट करना है तो वो आप कैसे कंडक्ट कर सकते हो। तो हम उसको जो है थोड़ा एक शॉर्ट में यहाँ पर समझते हैं। अब देखिए, जब भी आपको कोई भी रिक्स असेसमेंट अगर कंडक्ट करना है तो उसके जो है 5 स्टेप्स होते हैं। उस 5 स्टेप्स की मदद से ही जो है आप रिक्स असेसमेंट जो है वो कंडक्ट कर सकते हो। तो वो क्या है? तो सबसे पहला है वो है कि आइडेंटिफाई दी हजार्स, यानी कि वर्क एट हाइट पर, अभी जैसे कि हम यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं वर्क एट हाइट का, तो वर्क एट हाइट में जो भी हजार्स है वो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करने होंगे। ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो जाती है। अब सेकंड स्टेप आती है कि यहां पर ये जो हजार्ड हमने आइडेंटिफाई कर लिया है तो इस हजार्ड की वजह से जो है किसको नुकसान हो सकता है, यानी कि किन लोगों को जो है यहाँ पर नुकसान हो सकता है, तो ऐसे कौन से लोग हैं वो हमें यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई करने होते हैं, यानी कि डिटरमाइन करना होता है कि किन को जो है यहाँ पर नुकसान हो सकता है और वो कैसे नुकसान हो सकता है। यह हमारी सेकंड स्टेप हो जाती है। थर्ड स्टेप है कि ये जो हजार्ड है इसकी वजह से जो रिक्स होने वाली है, यानी कि जो खतरा होने वाला है, तो इसको जो है हमें इवैल्यूएट करना होता है, यानी कि रिक्स को जो है यहाँ पर हमें इवैल्यूएट करना है। ठीक है, रिक्स को इवैल्यूएट करना है, तो ये हमारी थर्ड स्टेप हो जाती है। तो थर्ड स्टेप में जो है, जैसे कि आप रिक्स को इवैल्यूएट करते हो तो साथ ही साथ जो है आपको प्रोवाइड करने होते हैं कि आप जो है क्या प्रिकॉशंस लेने वाले हो, वो भी जो है आपको बताना होता है। मतलब यहाँ पर ये जो तीनों स्टेप है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिक्स असेसमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। फिर उसके बाद की जो फोर्थ स्टेप आती है वो है कि ये जो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर की है तो इसका जो है रिकॉर्ड आपको जो है मेंटेन करना होता है। ठीक है, जो मतलब आपकी जो फाइंडिंग्स होती है तो उसको जो है आपको रिकॉर्ड में लाना होता है। ठीक है, तो ये आपकी फोर्थ स्टेप हो जाती है। और फिफ्थ स्टेप की अगर हम बात करें तो वो होती है कि अभी आपको ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको जो है इसको रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है अपडेट या फिर रिव्यू करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, अगर कोई चेंजेस अगर होते हैं। तो ये 5 मेन स्टेप होती है जब भी आप रिक्स असेसमेंट को जो है प्रिपेयर करते हो या फिर कंडक्ट करते हो। तो हमें यहाँ पर 3 स्टेप की जो है ज़रूरत पड़ती है जब भी हम रिक्स असेसमेंट कंडक्ट करते हैं, और बाकी जो 4 स्टेप है उसका जो है रिकॉर्ड हमें फाइंडिंग्स का बनाना होता है, और बाद में फिफ्थ जो स्टेप है वो है कि इसका रिव्यू करना होता है। तो आपको यहां पर तीनों स्टेप जो है ये समझ में आ गई होगी। पहली है कि सबसे पहले आपको हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है, अब हम आगे में जो है एग्जांपल लेंगे और चार्ट पर समझेंगे ये सारी चीजें जो है कैसे आई है। ठीक है, बस आपको ये समझना है कि सबसे पहले हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद इस हजार्ड की वजह से जो है किसको नुकसान हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो आपको देखना है। थर्ड जो है, फिर आपको जो है रिक्स को इवैल्यूएट करना है कि ये जो रिक्स है वो लो है क्या, मीडियम है क्या, या फिर हाई है क्या, वो आपको देखना है। और फिर उसके बाद जो भी रिक्स आती है तो उसके लिए जो है आपको प्रिकॉशन जो है वो प्रोवाइड करने होते हैं, यानी कि जो कंट्रोल मेजर्स है वो प्रोवाइड करने होते हैं। अब आपको ये सारी चीज़ें अगर समझ में आ गई होगी तो चलिए हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और चार्ट की मदद से जो है ये सारी चीज़ें समझते हैं। ठीक है, और ये जो चार्ट है ये आप फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब देखिए, ये इस प्रकार का जो है रिक्स असेसमेंट का जो है चार्ट होता है। अब हम यहाँ पर एक एक चीज़ समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पहली स्टेप बताई रिक्स असेसमेंट को कंडक्ट करने के लिए, वो क्या है कि आपको जो है हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है। अब हम यहाँ पर रिक्स असेसमेंट किसका बना रहे हैं, वो है वर्क एट हाइट का। वर्क एट हाइट एक्टिविटी जो है उसका हमें रिक्स असेसमेंट बनाना है, बराबर। तो वर्क एट हाइट एक्टिविटी में जो है क्या हजार्ड इन्वॉल्व है वो हमें सबसे पहले देखना है, जो हमारी पहली स्टेप थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। दूसरी जो स्टेप थी वो क्या थी कि इसकी वजह से जो है कौन खतरे में है, कौन से लोग जो है इसमें खतरे में है, वो हमारी सेकंड स्टेप थी जो मैंने आपको स्टेप 2 में बताया है। ठीक है, अब ये जो जिसकी वजह से जो खतरा होगा तो उसका जो है हमें रिस्क लेवल भी जो है फाइंड आउट करना होता है। रिस्क लेवल यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, रिस्क को यहाँ पर इवैल्यूएट करना है।
जब आप रिस्क को इवैल्यूएट करोगे तभी जो है आपको रिस्क का लेवल यहाँ पर पता चलेगा कि वो रिस्क जो है वो लो है, मीडियम है या फिर हाई है। ठीक है, ये हमारी थर्ड स्टेप यहाँ पर हो जाती है। और साथ ही में हमने जाना था थर्ड स्टेप में कि हमें जो है प्रिकॉशन भी प्रोवाइड करने होते हैं, यानी कि कंट्रोल मेजर्स क्या लेने हैं वो प्रोवाइड करने होते हैं। तो ये हमारी जो है थर्ड स्टेप यहाँ पर हो जाती है। जब ये सारी चीज़ें जब आप करते हो तो आपका ये जो रिस्क लेवल है जो आपने यहाँ पर आपको मिलता है, जो हाई हो या फिर मीडियम हो, तो इसको जो है आपको आलाप में कन्वर्ट करना होता है, आलाप में कन्वर्ट करना होता है। अब आलाप का मतलब क्या है? एक का मतलब होता है एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। ठीक है, यानी कि जितना हो सके उतना आपको इस रिस्क लेवल को जो है रेसिजुअल रिस्क में लाना होता है। ठीक है, रेसिजुअल रिस्क यानी कि लो मीडियम हाई। तो हमें जो है कॉन्सेंट्रेट करना होता है कि अगर रिस्क का इम्पैक्ट, अगर रिस्क का जो लेवल है अगर हाई है तो उसको लो में कन्वर्ट करना होता है जब आप ये कंट्रोल मेजर्स लोगे तब। ठीक है, तो ये पांचों का मीनिंग आपको यहाँ पर समझ में आ गया। चलिए अब हम जानते हैं वर्कआउट हाइट में जो हजार्ड है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला जो हजार्ड है वो है फॉल फ्रॉम हाइट, ऊंचाई से नीचे गिरने का खतरा। ठीक है, अब ये जो हजार्ड है इसकी वजह से किसको खतरा हो सकता है? तो जो भी वर्कर्स इस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं वो यहाँ पर खतरे में आते हैं। तो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया है कि किसको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। अब हमें जो है रिस्क का लेवल यहाँ पर फाइंड आउट करना है, वो लो है, मीडियम है या फिर हाई है। तो ये हाई हमने यहाँ पर लिखा। अब ये हाई क्यों आया ये भी आपको समझना है। देखिए, जब भी आप रिस्क का लेवल आपको निकालना होता है, रिस्क का लेवल निकालना मतलब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर रिस्क को यहाँ पर इवैल्यूएट कर रहे हो। अब जब आपको रिस्क का लेवल क्या है, यानी कि वो लो है क्या, मीडियम है क्या या फिर हाई है क्या, ये अगर कैलकुलेट करना हो तो उसका जो है एक फार्मूला आता है। फार्मूला क्या है? फार्मूला है एल बाय एस का। एल बाय एस मतलब एल का मीनिंग होता है लाइकलीहुड, लाइकलीहुड, और एस का मतलब होता है सेवरिटी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझा होगा तो मैं बता देता हूँ। लाइकलीहुड का मतलब होता है चांस, यानी कि ये जो खतरा है, ये जो खतरा है, रिस्क लेवल है, इसका होने का चांस कितना है। और सेवरिटी का मतलब होता है इम्पैक्ट, और अगर इन केस अगर ये खतरा अगर हो जाता है तो उसकी वजह से जो है नुकसान कितना हो सकता है, इम्पैक्ट कितना हो सकता है। अब रिस्क का लेवल जो है वो फाइंड आउट करने के लिए, वो लो है, मीडियम है या फिर हाई है, इसके लिए हमें रिस्क मैट्रिक्स की जो है मदद लेनी होती है। अब देखिए, रिस्क मैट्रिक्स जो है वो 3x3 का भी जो है आप उसकी मदद ले सकते हो या फिर 5x5 का भी जो है रिस्क मैट्रिक्स की मदद ले सकते हो। इन दोनों के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उसको अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसको डिटेल में जान सकते हो। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो रिस्क लेवल हाई आई है वो कैसे आई है उसके बारे में। देखिए, हम यहाँ पर एक एक चीज़ समझ रहे हैं। क्या चीज़ समझ रहे हैं? हर एक जो हमने यहां पर लिखा है इसका मीनिंग क्या है, ये कैसे आया हुआ है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो रिस्क लेवल है ये हाई कैसे आई है। मैंने आपको यहां पर बता दिया है कि इसका फार्मूला क्या है, एल बाय एस का, जिसकी मदद से जो है ये आया है। कैसे आया है? तो रिस्क मैट्रिक्स की मदद से। रिस्क मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक साइड से जो है लाइकलीहुड होता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो यह है लाइकलीहुड, और लाइकलीहुड को रेटिंग दिया है 1, 2, 3। ठीक उसी प्रकार दूसरे साइड से होता है सेवरिटी, और इसको भी हमने रेटिंग दिया है 1, 2, 3। ठीक है, ये नंबरिंग हो गया। अब हमें देखना है कि ये जो हजार्ड है, यानी कि ऊंचाई से नीचे गिरने का जो खतरा है, इसकी होने का जो है चांस कितना है, यानी कि लाइकलीहुड क्या है, ऐसा होने का जो है कितनी बार जो है ये हो सकता है, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। तो देखिए, ऊंचाई से नीचे गिरने का जो खतरा है उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, या फिर जो है आप इसको 2 भी कंसीडर कर सकते हो या फिर 3 भी कंसीडर कर सकते हो। अब आपको जो है ये सारी चीज़ें जब पुराना जो भी इंसिडेंट अगर हुआ है उसके ऊपर उसको भी देखना होता है, या फिर जो है आप यहाँ पर कंसीडर आपको ये चीज़ें करनी होती है कि आप जो है इसका चांसेस जो है वो कितना हो सकता है आपके साइड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि इसका जो है लाइकलीहुड 3 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, एल मिल गया, वो है 3। ठीक है, अब हमें देखना है सेवरिटी कि अगर ऊंचाई से अगर कोई पर्सन अगर नीचे गिरता है तो उसका इंपैक्ट कितना होगा, उसको कितना नुकसान हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऊंचाई से अगर नीचे पर्सन अगर गिरता है तो उसका जो इंपैक्ट है वो ज्यादा ही होगा, है ना। मतलब यहां पर उसका रेटिंग आएगा 3। ठीक है, इसका रेटिंग आएगा 3, यानी कि 3x3 मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या आंसर आता है, 9। और 9 क्या बोल रहा है हमारे यहां पर, आप ये देखिए, यहां पर 9 बोल रहा है यहां पर कि
ये जो इसका जो रिस्क लेवल है वो है हाई। अब देखिए कोई प्रोजेक्ट साइट पर जो है आप इसको जो है जो लाइकलीहुड है इसका दो भी कंसीडर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, दो कंसीडर कर सकते हो, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो जाहिर सी बात है कि ऊंचाई से अगर कोई पर्सन अगर गिरेगा तो उसका जो इम्पैक्ट है वो थ्री आएगा ठीक है। यानी कि इसका अगर टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 ठीक है, और 6 यानी कि इसका जो इम्पैक्ट इसका रिस्क लेवल क्या हो जाता है वो भी हाई। अब आपको ये समझना है कि ऐसा नहीं है कि 3/3 हमने लिया है तो 2/3 क्यों नहीं ले सकते हैं। अब देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको जो है कंसीडर करना होता है जो कुछ डाटा के बेसिस के ऊपर। जैसे कि अगर आपके प्रोजेक्ट साइट पर पुराना अगर आप डाटा देखते हो जिसमें कोई कई सारे जो है हादसे हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं, ऊंचाई से नीचे अगर पर्संस गिरा है तो आप देख सकते हो कि उसका जो है चांसेस हाई है। अगर आपके यहाँ पर ऐसा कोई हादसा अगर हुआ ही नहीं है, आपने देखा ही नहीं है, तो उस केस में जो है आप इसका लाइकलीहुड है वो 2 रख सकते हो ठीक है। अब आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि ये हाई कैसे आया है ठीक है। अब कंट्रोल मेजर्स आपको यहाँ पर सजेस्ट करने हैं। अब ये जो फॉल फ्रॉम हाइट का जो हजार्ड है ठीक है, ये इसकी जो रिस्क लेवल है वो हाई है। अभी हमें क्या करना है, कंट्रोल मेजर्स लेना है ताकि जो है इसकी रिस्क लेवल को हम कम कर सके ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी स्कैफोल्डिंग का प्लेटफॉर्म है ठीक है, स्कैफोल्डिंग जहां पर ऊंचाई पर काम हो रहा है तो स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म पर जो है हम गार्डरेल्स इस्तेमाल करेंगे, या फिर हाइट पर जो भी काम हो रहा है वहां पर हम गार्डरेल लगाएंगे ताकि जो है पर्संस नीचे ना गिर सके। जो भी पर्सन ऊंचाई पर काम कर रहे हैं उनको बोलेंगे कि हार्नेस का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ फायर अलर्ट सिस्टम का भी इस्तेमाल वहां पर होना चाहिए। तो ये हमारे कंट्रोल मेजर्स है। जब ही हम ये सारे कंट्रोल मेजर्स लेते हैं तब हमारी ये जो रिस्क लेवल है ये हाई से हो जाता है लो। यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको रेसिजुअल रिस्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब इसको जो है आलाप में कन्वर्ट कर रहे हैं, आलाप में कन्वर्ट कर रहे हैं। आलाप का मतलब मैंने आपको बता दिया है, एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकल प्रैक्टिकेबल, यानी कि जितना प्रैक्टिकेबल हो सके उतना जो है हमें इसको लो करना होता है ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि वर्क एट हाइट पर ये एक ही हजार्ड हमें देखने को मिलता है क्या, नहीं, बल्कि कई सारे हजार्ड होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट हजार्ड क्या है और उसको जो है आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो लो में। अब देखिए ये है हमारा जैसे कि पहले हजार्ड हमने देख लिया है, दूसरा जो हजार्ड है वो है फॉलिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि ऊंचाई से जो है ऑब्जेक्ट जो है वो भी गिर सकता है। इसकी वजह से जो है कौन खतरे में हो, इसकी वजह से कौन खतरे में है, तो जो भी वर्कर्स नीचे में काम कर रहे हैं, क्योंकि ऊंचाई से अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर गिरेगा तो जाहिर सी बात है कि जो लोग नीचे में काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स नीचे में काम कर रहे हैं उनके ऊपर ये ऑब्जेक्ट गिरने वाला है, तो वो यहाँ पर खतरे में है। इसका जो रिस्क लेवल है वो हमने यहाँ पर रखा है मीडियम। अब मीडियम क्यों रखा है, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि L by S ये जो फार्मूला है लाइकलीहुड एंड सेवरिटी, उसका इस्तेमाल करके आपको जो है ये रिस्क लेवल निकालनी होती है। तो हमने यहाँ पर कंसिडर किया है कि लाइकलीहुड जो है यहाँ पर 2 है इसका और सेवरिटी जो है वो है 2, यानी कि 2 × 2 यहाँ पर हो जाता है 4, और 4 क्या है यहाँ पर वो है मीडियम ठीक है। तो यहाँ पर इसका रिस्क लेवल आया है मीडियम। कंट्रोल मेजर्स इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, तो हम जो भी स्कैफोल्डिंग रहेगी तो वहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ना गिरे, तो इसलिए हम क्या करेंगे वहाँ पर टो बोर्ड जो है उसको इंस्टॉल करेंगे, साथ ही साथ टूल लाइनर का भी इस्तेमाल करेंगे। यानी कि कोई जो स्कैफोल्डर जो पर्संस होते हैं तो उनके पास में जो पाना हम जो इस्तेमाल करते हैं ठीक है, या फिर स्पैनर जो इस्तेमाल करते हैं तो उसको जो है एक टूल है वो, तो उस टूल को जो है वो एक लैनार्ड लगाएंगे ताकि जो है अगर इन केस उनके हाथ से अगर स्लिप होता है तो वो डायरेक्ट नीचे ना गिरे, तो टूल लैनार्ड का इस्तेमाल करेंगे, या फिर कोई भी टूल है उसको जो है उसके लिए लैनार्ड का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही साथ जो है ओवरहेड प्रोटेक्शंस भी जो है प्रोवाइड करेंगे। तो ये कंट्रोल मेजर्स लेने के बाद जो है हमारी यहाँ पर जो रेसिडुअल रिस्क हो जाती है वो लो में कन्वर्ट हो जाती है ठीक है। तो ये अभी आपको यहाँ पर सेकंड भी यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं कि थर्ड हजार जो है हमें वर्क एट हाइट में क्या देखने को मिलता है, वो है स्ट्रक्चरल फेलर्स। अब देखिए स्ट्रक्चर कौन सा भी हो सकता है, अब लैडर का अगर आप इस्तेमाल करते हो ऊंचाई पर काम करने की तो लैडर भी जो है एक आपका स्ट्रक्चर होता है, या फिर स्कैफोल्डिंग का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो ऊंचाई पर काम करने की तो वो भी आपका एक स्ट्रक्चर हो सकता है ठीक है। तो ये जो है ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये फेल हो जाना ये भी एक हजार्ड है। तो इसकी वजह से कौन खतरे में है, तो इसकी वजह से जो भी स्ट्रक्चर की इसके ऊपर जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, यानी कि प्लेटफॉर्म या फिर लैडर के ऊपर जो काम कर रहे हैं वो यहाँ पर खतरे में आते हैं।
तो इसका रिस्क लेवल क्या है, तो इसका रिस्क लेवल है हाई। अब हाई क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर इसका लाइक्लीहुड और सेवरिटी जो है वो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है कि इसका होने का जो चांसेस है वो लाइक्लीहुड है वो 2 और इसका सेवरिटी जो है वो है 3, क्योंकि एक साथ अगर कोई स्कैफोल्डिंग अगर नीचे गिर जाए, स्ट्रक्चर अगर फेलर हो जाए या फिर लैडर ही पूरी अगर गिर जाए, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है कि उसकी वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट हो। ठीक है, तो 2 × 3 क्या आता है यहाँ पर 6, और 6 यहाँ पर क्या कहता है कि इसकी जो है वो क्या है, रिस्क लेवल वो है हाई। ठीक है, अब इसके लिए क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं, तो हम रेगुलर इंस्पेक्शंस करेंगे स्कैफोल्डिंग का, उसके प्लेटफॉर्म का, और उसकी जो लोड की जो लिमिट है, यानी कि स्कैफोल्डिंग की जो लिमिट है या फिर लैडर की लिमिट है, उसका जो है पालन करेंगे, यानी कि उसके ऊपर ज़्यादा जो है हम वजन नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये हम कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं। अब ये कंट्रोल मेजर्स लेने के बाद हमारी जो यहाँ पर रेसिडुअल रिस्क यानी कि आलाप जो हो जाता है वो हो जाता है कन्वर्ट हाई से लो में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हजार्ड के बारे में। ठीक है, अब देखिए ये जो सारे हजार्ड मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये वर्कआउट हाइट का है। ठीक है, और ये जो चार्ट है ये आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बस आपको ये समझना है ये सारी चीज़ें कैसे आई है। ठीक है, हजार्ड नेक्स्ट हजार जो है वो है स्लीपरी सरफेस। अब स्लीपरी सरफेस कब हो सकता है, वो ड्यू टू वेदर, यानी कि अगर बारिश अगर आ गई है तो उस केस में जो है स्लीपरी सरफेस हो सकता है, ये खतरा है, क्योंकि स्लीपरी सरफेस में जो है पैर फिसल कर गिर जाना ये खतरा हो सकता है। ठीक है, इसकी वजह से कौन खतरे में है, तो जो वर्कर्स रूफ टॉप के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर लैडर्स के ऊपर काम कर रहे हैं वो यहाँ पर खतरे में आते हैं। तो इसका जो रिस्क लेवल है वो है मीडियम। देखिए यहाँ पर रिस्क लेवल हमने हाई नहीं रखा है, इसका मीडियम रखा है, क्योंकि बारिश जो है या फिर सरफेस का स्लिपरी जो होना है वो ऐसा नहीं है कि हर वक्त रहता है, ये कभी कभार होता है। ठीक है, तो हम जो है इसका होने का जो चांस है वो यहाँ पर रखते हैं 2, और इसका जो है होने का जो इम्पैक्ट है वो रखते हैं 2, यानी कि 2 × 2 यहाँ पर हो जाता है 4, और 4 क्या है यहाँ पर वो है मीडियम, यानी कि रिस्क लेवल है हमें यहाँ पर मिल जाती है मीडियम। कंट्रोल मेजर्स क्या ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि जब भी हमें एडवर्स वेदर कंडीशंस के बारे में अगर पता चलता है तो उस केस में जो है हम वर्क को जो है सस्पेंड करेंगे, साथ ही साथ जो है नॉन स्लिप मटेरियल का ही जो है इस्तेमाल करेंगे। जब हम ये कंट्रोल मेजर्स लेंगे तब हमारी ये जो रिस्क लेवल है वो मीडियम से हो जाएगी लो। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर आलाप में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद का जो हजार्ड है वर्कआउट हाइट का वो है पुअर एक्सेस एंड इग्रेस, तो ये भी जो है हजार्ड हमें देखने को मिलता है। इसकी वजह से कौन खतरे में है, तो जो भी वर्कर्स यहाँ पर हाइट को एक्सेस कर रहे हैं, जाना आना कर रहे हैं, वो यहाँ पर खतरे में है। इसका जो रिस्क लेवल है वो है मीडियम। ठीक है, मीडियम कैसे आया, तो एल बाय एस का जो फार्मूला है उसकी मदद से जो है ये आया है। आप कंसिडर कर सकते हो लाइकलीहुड इसका 2, सेवरिटी 2, यानी कि 2/2 = हो जाता है 4। 4 क्या कहता है यहाँ पर इसकी जो रिस्क लेवल है वो है 4। कंट्रोल मेजर्स क्या ले सकते हैं, तो हम इंश्योर करेंगे कि लैडर्स और एक्सेस जो पॉइंट्स है वो प्रॉपरली सिक्योर हो और पोजिशंस में हो, तो ये कंट्रोल मेजर्स हम यहाँ पर ले सकते हैं। जब हम ये कंट्रोल मेजर्स लेंगे तो हमारी ये जो रिस्क लेवल है जो मीडियम है वो कन्वर्ट हो जाएगी लो में, यानी कि हमें जो है यहाँ पर आलाप में जो है हम इस रिस्क को जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो इस चार्ट को जो है अगर आपको फ्री में डाउनलोड करना है तो इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप यहाँ पर वर्कआउट हाइट का रिस्क असेसमेंट का जो है फ्री में चार्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा वर्कआउट हाइट के रिस्क असेसमेंट के बारे में, उसके चार्ट के बारे में, और इसको आप कैसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।